नमस्कार, मैं रंजन सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। नजीबाबाद के सरकारी अस्पताल में कोरोना वैक्सीन लगवाने आए लोगों की लगी लंबी कतारों को। गर्मी में राहत के लिए कुछ लोग निस्वार्थ लोगों की मदद कर रहे हैं। हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की ओर से पिछले 20 दिनों से निस्वार्थ लोगों के लिए पानी की व्यवस्था की जा रही है, जिसे लंबी लंबी कतारों में खड़े लोगों को गर्मी में प्यास लगने के बाद पानी मिलने से बड़ी राहत मिल रही है। हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन के फैसल तैयब ने बताया, वह पिछले 20 दिनों से सरकारी अस्पताल में वैक्सीन लगवाने आ रहे महिला पुरुषों को निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। उनकी टीम ने आज लगभग 3000 पानी की बोतल लोगों को निस्वार्थ बांटी हैं, जिसकी सभी क्षेत्रीय नागरिक सराहना कर रहे हैं। वहीं सरकारी अस्पताल में देखने को मिला, वैक्सीन लगवाने के लिए लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। नजीबाबाद से अल्ताफ रजा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फैसल तैयब है। जी, आज ही सरकारी अस्पताल में वैक्सीन लग रही है, लोगों की भीड़ है, गर्मी बहुत शिद्दत की है, ये कब से कर रहे हैं यहाँ पे कार्य? ये लगभग हमें 20 दिन हो चुके हैं। इससे पहले हमने कूलर द्वारा हमने लोगों को पानी पिलाया। आज हमें देखा कि भीड़ भी ज़्यादा है, क्योंकि अब दो जगह इन्होंने वैक्सीन लगा रहे हैं, एक जगह लेडीज है, एक जगह जेंट्स है। और हमारे जो फाउंडेशन बनाया हेल्थ एंड फाउंडेशन, उसके माध्यम से हमने जो है पानी का इंतज़ाम करा है और पानी की बोतलें हम बांट रहे हैं, क्योंकि आज गर्मी बहुत है। कितनी बोतलें हैं? लगभग लगभग 3000 बोतलें हमने मंगाई हैं और उम्मीद है कि आज ही बांट देंगे। तो ये सवाब की नीयत से आप? जी हाँ, ये सवाब की नीयत से हमारा ग्रुप कर रहा है। सब लोगों को आप पानी मुहैया करा रहे हैं? जी हम सबको पानी मुहैया कर रहे हैं। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।